मैं सुनीता मिश्रा आज बनाने जा रही हूँ चावल के पापड़। चावल के पापड़ बनाने के लिए हमें चाहिए चावल का आटा, थोड़ा सा नमक और पानी, पकाने के लिए भारी तले का बर्तन। और चावल का आटा अगर आप घर में तैयार करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। बाजार का आटा होता है जो वो कभी कभी काफ़ी पुराना रहता है, उसमें कुछ मिक्स रहता है तो पापड़ अच्छे नहीं बनते। तो मेरे चावल के आटे बनाने का तरीका आप मेरे लिंक में जाके देख सकते हैं। आइए हम बनाते हैं। तो चावल के पापड़ में दो तरह से आपको बनाना बताऊंगी। अगर आपके यहाँ तेज धूप है तो ये गीले बनाएंगे, दूसरा तरीका है। और आपके यहाँ कम धूप आती है ना तो मैं बेलने वाले पापड़ बताऊंगी। दोनों तरह से हम आपको बता रहे हैं। जितना चावल का आटा है उससे दो गुना हम इसमें पानी डालेंगे। पानी और चावल का आटा एक ही बर्तन से हम नापेंगे। नमक डालते समय आप ध्यान रखिएगा कि चावल के आटे की मात्रा के हिसाब से आपको नमक डालना है, घोल के हिसाब से नहीं, नहीं तो नमक ज्यादा हो जाएगा। इसे धीमे धीमे चलाते हुए हम पकाएंगे। बर्तन को ढक देते हैं, इसे धीरे से पकने देते हैं। हम दूसरे बर्तन में बताते हैं आपको दूसरा तरीका चावल के पापड़ बनाने का। एक कटोरी चावल का आटा, इसमें हम डालेंगे तीन गुना पानी क्योंकि मुझे पतला पेस्ट बनाना है। नमक की मात्रा उसी तरह आटे के हिसाब से, इसे हमें धीमी आंच में पकाएंगे। बीच बीच में हम इसे हल्का धीरे से चलाते रहेंगे जिससे इसमें गांठें न पड़ने पर। हम इसे अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी जो कि हमारे पापड़ के लिए सही नहीं होगी। इसे चलाते हुए धीमी आंच में हम पकाएंगे। ये देखिए, ये मेरा घोल पकने लगा है और काफ़ी गाढ़ा होने लगा है। थोड़ा सा इसे पका के हम इसे बंद कर देंगे। पानी सूख गया है, ये देखिए पानी इसका काफ़ी सूख गया। गैस ऑफ करके हम एक मिनट के लिए इसे ऐसे ही ढक देंगे। इसे हम गीला गीला ही बंद कर देंगे। थोड़ा इसे गीला रखेंगे और हम गैस को बंद कर देंगे। दो से ढाई मिनट के अंदर हमारा एक घोल पक जाता है। ये पतला जो घोल है इसमें हम चाहें तो कलौंजी या जीरा या अजवाइन हम थोड़ी सी डाल के इसको बना सकते हैं, या हम ऐसे प्लेन भी इसको बना सकते हैं। आइए मैं दिखाती हूँ। जीरा या अजवाइन या कलौंजी जो भी हम डाल रहे हैं इसे हम बाद में पापड़ बनाते समय ही डालेंगे, नहीं तो कलर छोड़ देते हैं तो पापड़ों का रंग खराब हो जाता है। हल्की सी चिकनाई लगा देंगे जिससे पापड़ आसानी से निकल आए। सूखने के बाद निकालने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं, बहुत हल्के हाथ से, बहुत हल्के से। अब हम बनाने जा रहे हैं बेलने वाले पापड़ जिसका मटेरियल मैंने काफ़ी गाढ़ा पहले से बनाकर रखा हुआ है। हाथ में चिकनाई लगा के इसकी हम छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। और थोड़ी सी चिकनाई हम पॉलीथीन में लगाएंगे। हल्के हाथ से दबाना है।
अगर आपके पास दबाने वाली मशीन नहीं तो आप समतल तले के किसी डिब्बे से ऐसे भी दबा दबा कर पापड़ बना सकते हैं। इसी तरह से सारे पापड़ों को बेल के आप तैयार कर लीजिए। अगर आपको मेरे चावल के पापड़ बनाने का तरीका पसंद आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।